सोचना है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, लेकिन आज माहौल राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में है आज की तारीख में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, किसी एक चेहरे को, नेताओं की कमी नहीं है, अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, युवा नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, कमी यह है कि आज की तारीख में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और उसमें क्या होता है, केवल रिपीटेशन। जनता में जाकर हमको एक चेहरा तो देना पड़ेगा। जब पंजाब में हम चेहरा दे सकते हैं तो राजस्थान में चेहरा देने में क्या दिक्कत है? नेताओं का तो कोई अभाव है नहीं। आज आप देखिए, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, माननीय गुलाब कोठारी जी साहब ने जो एडिटोरियल दिया है वो सब चीज़ को स्पष्ट करता है और उससे हमें सीख लेनी चाहिए। आज कार्यकर्ता भटक रहे हैं, जो स्थिति साल भर पहले थी, मेरा मानना है उसमें कांग्रेस की जो प्रति लोगों का भाव बढ़ रहा था वो अब स्थिर होता जा रहा है और बल्कि हो सकता है कम भी होता जा रहा हो, जो मैं रोज़ देखता हूँ गाँव में, क्योंकि हम लोग चेहरा नहीं दे पाते। मेरा हाईकमान से आपके द्वारा एक ही एक अपील है कि चेहरा जब तक नहीं होगा जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, बहुत आवश्यक है। हाईकमान के ऊपर है, इसमें हम कोई नहीं है कॉमेंट करने वाले, लेकिन कोई एक चेहरा तो दे। चेहरा छुपाने से तो कन्फ्यूजन होता है।